हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है सीपीयू से रिलेटेड, कि सीपीयू क्या होता है, कैसे वर्किंग करता है, सीपीयू के पार्ट्स कितने होते हैं, कोर क्या होता है सीपीयू के अंदर और थ्रेड्स क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीपीयू क्या होता है। सीपीयू को ही हम प्रोसेसर बोलते हैं और जो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू जो होता है वो एक चिप की तरह होता है जिसके अंदर ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं। सीपीयू को हम किसी भी सिस्टम का या किसी भी डिवाइस का ब्रेन बोल सकते हैं, माइंड बोल सकते हैं। ब्रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ब्रेन का काम होता है वो सोचने का काम होता है, डिसीजन लेने का काम होता है। ठीक वही काम सीपीयू करता है सिस्टम के अंदर। जब भी कोई यूज़र सिस्टम से जाकर इंटरेक्ट होता है तो यूज़र की कमांड को लेकर सिस्टम को जो समझाने का काम करता है वो सीपीयू करता है। सपोज कीजिए कि यूज़र ने टाइप किया कीबोर्ड से 2+2, तो उसको आउटपुट में क्या मिलना है ये डिसाइड करता है, ये डिसीजन लेता है, वो जो लेता है वो सीपीयू लेता है। तो ये थी सीपीयू की एक छोटी सी ओवरव्यू कि सीपीयू क्या होता है। अब जानेंगे कि सीपीयू के पार्ट्स कितने होते हैं, सीपीयू के कौन कौन से पार्ट होते हैं। जो सीपीयू का पहला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम ALU, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसका काम क्या होता है, जितने भी मैथ से रिलेटेड टास्क होते हैं उनको काम करने का जो काम होता है वो ALU का होता है, और लॉजिकल जितने भी लॉजिकल काम होते हैं वो भी ALU करता है। क्योंकि अर्थमेटिक के अंदर आ जाते हैं सभी, किसी भी चीज़ को डिवाइड करना, जोड़ना, घटाना या फिर गुना करना, और जो लॉजिकल होता है जितने भी लॉजिकल एक्सप्रेशन होते हैं वो भी ALU करता है। अब सेकंड पार्ट होता है उसका, वो होता है CU। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, यानी कि ये सिस्टम के जितने भी हार्डवेयर होते हैं या प्रोसेसिंग के काम होते हैं उनको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। जिस तरह से देखिए ये मेरा हैंड है, अगर मैं इस हैंड से अपने ईयर को पकड़ूँ तो जो मेरा दूसरा हैंड होगा वो नीचे रहेगा, क्योंकि फिलहाल जो मेरा कंट्रोल है वो इस हैंड पर है। तो ठीक उसी तरह CU का काम होता है हार्डवेयर को कंट्रोल करना। अब हम जानेंगे कि कोर क्या होता है। ये हमेशा सुनते रहते हैं हम कि इस सिस्टम के अंदर सिंगल कोर प्रोसेसर लगा हुआ है, डुअल कोर प्रोसेसर लगा हुआ है या क्वाड कोर प्रोसेसर लगा हुआ है होता है। तो देखिए प्रोसेसर का मतलब क्या होता है, अभी हमने जाना कि जो प्रोसेसर होता है वो एक चिप की तरह होता है जिसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं। तो जो पहले ज़माने में जो सीपीयू आते थे उनके अंदर जो हमारा ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता था। तो अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा गैप होता था तो उस टाइम पे केवल एक सिंगल ही प्रोसेसर होते थे, जिससे क्या होता था कि सिस्टम से कोई भी टास्क कराने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। लेकिन जैसे जैसे जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, तो क्या हुआ कि जो ट्रांजिस्टर्स के बीच में जो गैप था उनको बहुत कम कर दिया गया और सेम सीपीयू के अंदर, यानी कि चिप के अंदर सेम साइज के दो सीपीयू लगा दिए गए। यानी कि जो सेम चिप के अंदर जो दो सीपीयू लगाए हैं हमने उन्हीं को कोर बोलते हैं। अब दो कोर लगाने से होगा क्या, हमारी जो परफॉर्मेंस होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सपोज कीजिए कि कोई आदमी एक काम को कर रहा है तो उस काम को करने में उसको टाइम लग रहा है, अगर उसी सेम काम को दो आदमी करे तो वो काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, कम समय में कंप्लीट हो जाएगा। यही काम हो रहा है यहाँ सीपीयू के अंदर, कि सेम चिप के अंदर हम क्या करते हैं, दो पार्ट कर देते हैं उसको, और उसको बोलते हैं हम डुअल कोर प्रोसेसर। अगर सेम चिप के अंदर हम चार पार्ट कर दें, यानी कि चार सीपीयू लगा दें, तो उसको बोलेंगे हम डुअल कोर प्रोसेसर। तो अब बात करते हैं हम थ्रेड्स की, कि थ्रेड क्या होता है। देखिए जो हमारे कोर होते हैं वो विजिबल होते हैं, यानी कि हार्डवेयर के बने हुए होते हैं, जिस तरह से हम दूसरी चीज़ों को देख सकते हैं इसी तरह से हम जो सीपीयू के अंदर जो पार्ट लगे हुए होते हैं कोर को उनको देख सकते हैं। लेकिन जो थ्रेड्स होती हैं वो एक प्रोग्रामिंग होती है जो क्या किया जाता है, उनको कोर को दिया जाता है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो थ्रेड होता है वो एक हेल्पर की तरह काम करता है। अगर एक कोई बंदा काम कर रहा है और उसको हम एक हेल्पर दे दें तो वो बंदा क्या करेगा, उस काम को बहुत जल्दी कर लेगा। ठीक उसी तरह हम क्या करते हैं, जो कोर होते हैं उनको हम थ्रेड दे देते हैं, यानी कि उन पर हम थ्रेड अप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो सिंगल कोर प्रोसेसर था वो डुअल कोर प्रोसेसर की तरह बिहेव करने लग जाता है और उसके परफॉर्मेंस में भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाती है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा हो। तो इस वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।